तो आज की इस वीडियो में गाइस मैं डिफीट करने वाला हूँ एंडर ड्रैगन को एंड रेड करने वाला हूँ 50 एंड सिटीज को इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर। एंड उससे गाइस मुझे काफी सारे इलाइट्रास तो मिलेगी बट साथ ही मुझे काफी एपिक लूट भी मिलने वाली है। एंड वो लूट क्या होगी वो आपको पता चलेगा वीडियो की एंड में। एंड गाइस वी आर वेरी क्लोज टू 200K सब्सक्राइबर, तो आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो स्वागत है गाइस आप सबका हार्डकोर सर्वाइवल सीरीज के एपिसोड नंबर 5 में। एंड जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है आज हम जाने वाले एंड सिटीज को रेड करने के लिए, तो मैं चल के तो नहीं जाने वाला जिसके लिए मुझे काफी सारे रॉकेट्स की जरूरत होगी। तो अभी मैं आ चुका अपने क्रीपर फार्म में AFK करने के लिए ताकि मैं काफी सारे गन पाउडर कलेक्ट कर सकूं एंड रॉकेट्स क्राफ्ट कर सकूं। एंड साथ ही गाइस मुझे थोड़ा बहुत फूड का भी जुगाड़ करना पड़ेगा क्योंकि भाई साहब लिटरली 5th एपिसोड आ चुका है, अभी तक मेरे पास कोई भी अच्छा फूड का सोर्स नहीं है। भाई मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है अभी, तो हमें कुछ अच्छा सा जुगाड़ भी करना पड़ेगा। तो अभी गाइस मुझे थोड़ा सा टाइम हुआ AFK करके एंड भाई साहब ये देखो अपना फार्म कितना तगड़े तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पे काफी सारे गन पाउडर आ चुके हैं जो कि आई थिंक इनाफ हो गए। तब एक काम करते हैं यहाँ पे चेस्ट लगाते हैं, अभी के लिए सारे गन पाउडर को यहाँ पे रख देते हैं। एंड ऑलरेडी मेरे पास काफी सारे शोरकेन्स हार्वेस्ट करे हुए, तो आई थिंक इससे अपना काम हो जाएगा। तो इससे कुछ पेपर्स क्राफ्ट कर लेते हैं एंड सबसे पहले कुछ फ्लाइट ड्यूरेशन 3 वाले क्राफ्ट करने का ट्राई करते हैं, लेट्स सी कितने बनेंगे। ओके सो ये एक ही स्टैक बन रहा है तो इनाफ नहीं होगा। एक काम करता हूं मैं फ्लाइट ड्यूरेशन 1 वाला बनाता हूं क्योंकि मेरी आदत है रॉकेट्स को वेस्ट करने की, तो फ्लाइट ड्यूरेशन 1 वाले ज्यादा बनेंगे। थोड़ी सी पेपर की कमी हो चुकी है तो यहाँ से कुछ शुरकिंस को हार्वेस्ट कर लेते हैं एंड बाकी की भी रॉकेट्स क्राफ्ट कर लेते हैं। तो ओके गाइस अभी अपने पास काफी सारे रॉकेट्स आ चुके हैं। अभी आप लोग बोलोगे कि फ्लाइट ड्यूरेशन 1 वाले क्यों बनाए, 3 वाले बनाने चाहिए थे। सो 3 वाले थोड़े से कम बनते हैं, मेरी आदत है रॉकेट्स को वेस्ट करने की। तो अपने को 50 एंड सिटीज को रेड करना है तो उसके लिए मुझे काफी सारे रॉकेट्स की जरूरत है। और एक मिनट भाई ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, भाई इनको यहाँ की दावत किसने दे दी। गाइस मैं इनको मारना चाहता हूँ बट मैं मार नहीं सकता क्योंकि ये लोग अपने साथ इनका सड़ा सा बॉस लेके आया जो कि अपने को बैड वुमन का इफेक्ट दे देगा। एंड अपने आसपास यहाँ पे मुझे कहीं भी काउ नजर नहीं आ रही है तो खामखा की रेड हो जाएगी एंड अपना टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो आज के दिन इनको माफ कर देते। तो गाइस सबसे पहले अपने लिए बढ़िया से फूड सोर्स का जुगाड़ करते हैं। एंड मैंने डिसाइड किया कि मैं बनाऊंगा एक तगड़ा सा हॉगलैंड फूड फार्म जिससे हमें काफी सारे कुक पॉक चॉप मिल जाएंगे एंड अपनी हार्डकोर सीरीज काफी ज्यादा इजी हो जाएगी। एंड गाइस ये फार्म कैसे बनता है क्या बनता है ये मैं आप लोगों को समझाने नहीं वाला हूँ क्योंकि मोस्टली सब लोगों को पता है हॉगलैंड फूड फार्म कैसे बनता है, काफी ज्यादा इजी होता है। तो मैं काम करता हूँ हॉगलैंड फूड फार्म बनाने के लिए मुझे जितने भी रिसोर्सेज की जरूरत है वो सारे रिसोर्सेज में कलेक्ट कर लेता हूँ एंड फिर हम अपने फार्म को बनाना शुरू कर देंगे। तो ओके गाइस हमें जितने भी रिसोर्सेज की जरूरत थी हॉगलैंड फूड फार्म बनाने के लिए वो सब मैंने कलेक्ट कर लिया हूँ। ये देखो मेरे पास इतने सारे चीजें आ चुके, हमारा फार्म इजीली बन जाएगा। एंड गाइस इस वाले फार्म को बनाना पड़ता है हमें नेदर के बेडरॉक के ऊपर, तो ये वाला जो पोर्टल है वो हमें डायरेक्टली लेके जाएगा नेदर के बेडरॉक के ऊपर क्योंकि इससे पहले हम ऑलरेडी बना चुके एक जायंट गोल्ड फार्म जिसको बनाने में भाई हालत खराब हो चुकी थी। तो जिसने भी अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लेना। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए अपने हॉगलैंड फूड फार्म को बनाना शुरू करते हैं एंड आप लोग एंजॉय करो इस टाइम लैप्स को। सो फाइनली गाइस हमारा 3 लेयर वाला हॉगलैंड फूड फार्म यहाँ पे बनके रेडी हो चुका है। अब बस हम यहाँ पे काम करना है, हमें अपने लिए बढ़िया से AFK स्पॉट बनाना है जो कि बनेगा इससे 100 ब्लॉक्स ऊपर। तो यहाँ पे अपने लिए AFK प्लेटफॉर्म बना देते हैं एंड इसको भी कर देते हैं कवर। एंड ये देखो गाइस अभी से यहाँ पे हॉगलैंड स्पॉन होना भी स्टार्ट हो चुके। तो चलो गाइस अभी एक काम करते हैं, यहाँ पे करते हैं 30 मिनट्स के लिए AFK एंड लेट्स सी अपना हॉगलैंड फूड फार्म यहाँ पे कैसे काम करता है। तो फाइनली गाइस हमें AFK करते हुए यहाँ पे 30 मिनट्स हो चुके हैं एंड लेट्स सी अब अपने तिजोरी में क्या क्या सामान आ चुका है। सो अपने चेस्ट को चेकआउट कर लेते हैं और भाई साहब गाइस मैंने लिटरली इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इससे मुझे लिटरली इतने सारे कुक पॉक चॉप मिल जाएंगे एंड साथ ही हमें काफी सारे लेदर भी मिले। तो एक काम करते हैं यहाँ से 4 या 5 तक कुक पॉक चॉप ले लेते हैं जो कि आई थिंक इनाफ होगा 50 एंड सिटीज को रेड करने के लिए भी एंड थोड़ा बहुत लेदर भी ले लेते एंड भाई बहुत मेहनत हो गई, सबसे पहले सो जाते। तो अभी गाइस मैं यहाँ पे अपने लिए एन्चेंटमेंट टेबल क्राफ्ट कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को तो पता है कि अभी तक हमने अपने आर्मर पे काफी अच्छी इंचेंटमेंट लगा दी है बट अभी तक हमने अपने टूल्स पे कोई भी अच्छी इंचेंटमेंट नहीं लगाई है एंड अभी हमें ड्रैगन को भी तो हराना है तो हम क्या मुंह दिखाएंगे उसको। तो अभी यहाँ से कुछ शोरकेन्स को हार्वेस्ट कर लेते हैं एंड अब इसके हेल्प से बना लेते अपने लिए काफी सारे बुक्स एंड इससे बन जाएगी अपने लिए काफी सारे बुक्स शेल्फ जो कि आई थिंक इनाफ होगी। तो फटाफट से अपने इंचेंटमेंट टेबल को कंप्लीट करते एंड भाई अभी इंचेंट करने तो XP की तो जरूरत पड़ेगी। तो गाइस अभी मैं आ चुका अपने वर्ल्ड के सबसे बेस्ट फार्म में जो कि है गोल्ड XP फार्म जिसमें गाइस मुझे सिर्फ और सिर्फ एक पिगलिन पे निशाना मारना है एंड जैसे वो गुस्सा होगा उसके साथ
सारे भाई लोग भी गुस्सा हो जाएंगे, हम पे अटैक करने के लिए आने लग जाएंगे एंड यहाँ पे लोग सब जो है मर के अपने को काफी सारे एक्सपीज इजिली देते जाएंगे। तब यहाँ पे भी एफ के रखे थोड़ी सी एक्सपीज को बटोर लेते। 2 hours later. So guys, अभी मेरी 60 XP हो चुकी है तो आई थिंक हमारा काम चल जाएगा। और एक मिनट भाई साहब, ये क्या हो रहा है भाई? ये जॉम्बी फट पिगडिन के पास चड्डी कब से आ गई और ये क्रॉसबो कब से यूज करने लग गया? क्या भाई मेरे वर्ल्ड में आके मेरे से शान पट्टी कर रहा है? इस वर्ल्ड में सिर्फ मैं ही चड्डी पहन सकता हूँ और कोई नहीं। असली है ये लोंडा। तो चलो फटाफट से अपने सारी चीजों को एन्चेंट कर लेते। तो गाइस हमारी इंचेंटिंग का काम हो चुका है, हमें अपने सारे टूल्स पे काफी अच्छे इंचेंटमेंट मिल चुके हैं। एंड भाई साहब ले देखो, मैं लिटरली 60 एक्सपी करके लेके आया था और अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सपी बची है यहाँ पे। एंड अभी गाइस हमारा नेक्स्ट गोल होने वाला है काफी सारे एंडर पर्ल्स एंड ब्लेज रॉड कलेक्ट करके लेके आना, ताकि हम ड्रैगन को भी हरा सके। तो नेदर जाने से पहले गाइस मेरे पास काफी सारे गोल्ड है, तो इनको स्मेल्ट कर लेते एंड लेट्स गो। अब सीधा चलते हैं नेदर में फोर्ट्रेस को ढूंढने के लिए। सो गाइस लास्ट टाइम आपको याद होगा जब हम सोल सैंड को कलेक्ट करने गए थे तभी हमें एक फोर्ट्रेस मिला था, बट भाई साहब मैं उसका कोऑर्डिनेट लेना भूल गया यार, मुझे ले लेना चाहिए था। बट टेंशन की कोई बात नहीं, आई थिंक वो अपने स्पॉन पॉइंट से काफी ज्यादा पास में ही है। एक मिनट, यहीं से शायद से मैंने माइंड किया था और फाइनली गाइस हमें वो फोर्ट्रेस मिल चुका है। भाई साहब मैं कब से भटक रहा हूँ भाई, यहाँ से गाइस हमने लास्ट टाइम पे जो सोल से माइंड किया था यहीं पे अपना फोर्ट्रेस भी है। बट फोर्ट्रेस जाने से पहले गाइस मैं थोड़ी बहुत गोल्ड की ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, ताकि हमें थोड़ी बहुत फायर रेजिस्टेंस वाले पोशन मिल जाए, थोड़ी बहुत एंडर पर्ल्स मिल जाए, तो हमें थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो चलो ले लो भाई साहब, थोड़ा सा गोल्ड ले लो, हमें अपने काम की चीजें दे दो। एंड एक टिप गाइस मैं आपको देता हूँ कि कभी भी आपके पास काफी सारे गोल्ड रहेगा ना, तो थोड़ा थोड़ा गोल्ड है ना हर पिगलिन को देना, उससे ना आपके काफी सारे अलग अलग चीजों के लूट को कलेक्ट करने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। वरना एक ही को दोगे ना तो वो एक ही सड़ा सा सामान देगा आपको। A few inches later. So finally guys हमारी इनसेट रेट कंप्लीट हो चुके हैं। लकीली गाइस इन्होंने हमें काफी सारे एंडर पर्ल्स दे दिए, काफी सारे फायर रेजिस्टेंस वाले पोशन दे दिए, भाई अपना काम इजीली हो जाएगा। एंड थोड़े बहुत और भी काम की चीजें दिए, तो अब एक काम करते इनका थोड़ा सा थैंक यू करते। मेरे पास एक आयरन के बूट से, तो इनको दे देते एंड थैंक यू करते। एंड चलो गाइस फटाफट से चलते हैं फोर्ट्रेस के अंदर एंड ब्लेज रॉड लेके आते हैं। और भाई साहब एक मिनट भाई, मैं अच्छा वो मेरे पास पोशन है भाई। अबे यार ये क्या हो गया? अच्छा वो मेरे पास पोशन था गाइस, नहीं तो अभी अपने हार्डकोर की सीरीज यहीं पे खत्म हो जाती। ओ भाई बाल बाल बच गए आज तो। चलो हम फाइनली फोर्ट्रेस के अंदर आ चुके हैं, अब एक काम करते फटाफट से ब्लेज के स्पॉनर को ढूंढते। यहाँ से ब्लेज की आवाज आ रही है, ये स्केलेटन यहाँ पे, ओके यहाँ पे ब्लेज है, स्केलेटन को मारो सबसे पहले। इसको किसने बुलाया? एंड इसको फटाफट से मारना शुरू करते हैं। एंड गाइस अपनी स्वॉर्ड पे लगी है लूटिंग 3, तो अपने को काफी सारे ब्लेज रॉड इजिली मिल जाएंगे। एंड ये देखो 2 को मारने पे 3 मिल भी चुके। थोड़े बहुत चेस्ट भी लूट लेते एंड नेदर वर्ल्ड भी यहाँ से कलेक्ट कर ही लेते। ओके तो यहाँ पे क्या स्पॉनर इनका, फटाफट से पोशन को पी लेते हैं सबसे पहले। एंड चलो अब हम इनसे इजीली फाइट कर सकते हैं, तो इन सब की गुद्दी चटकाते एंड इनाफ ब्लेज रॉड कलेक्ट करके यहाँ से निकलते। इनाफ ब्लेज रॉड तो हो चुके हैं गाइस एंड यहीं पे मुझे एक वाव फॉरेस्ट भी मिल चुका है, तो अपने एंडर पर्ल का भी यहाँ पे काम हो जाएगा। एंड लूटिंग 3 है तो और भी ज्यादा मजा आएगा। तो चलो गाइस अब अपने पास टोटल 20 एंडर पर्ल्स हो चुके, इनाफ ब्लेज रॉड हो चुके। तब एक काम करते कुछ आई एफ एंडर को क्राफ्ट करके अभी के लिए चेस्ट के अंदर ही रख देते, क्योंकि गाइस अभी हमें अपना नेक्स्ट काम करना है जो कि है मेंडिंग एंड अनब्रेकिंग 3 की बुक को लेना। एंड वो इसलिए गाइस क्योंकि अभी हम 50 एंड सिटीज को रेड करने वाले हैं, तो हम चल के तो नहीं जाएंगे भाई, उसमें काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। एंड हमें जो इलाइट्रा मिलेगी अगर हम उसका यूज करते हैं तो वो तो भाई सब कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाएगी, जबकि अगर हम अपने इलाइट्रा पे मेंडिंग एंड अनब्रेकिंग लगा देते हैं तो हम एक्सपीज की हेल्प से इजिली उसको रिपेयर कर सकते हैं, वापस से यूज कर सकते हैं। एंड अपने आर्मर एंड टूल्स पे किसी पे भी अभी तक मेंडिंग नहीं लगी हुई है, तो लगे हाथ वो भी काम हो जाएगा। तो चलो अभी हम विलेज में आ चुके हैं। एंड गाइस ये वाले पॉइंट पे ना मैंने कुछ विलेजर को यहाँ पे कैप्चर करके रखा हूँ। यहाँ पे 2 लाइब्रेरियन है एंड एक फ्लेचर है। एक लाइब्रेरियन हमें ऑलरेडी अनब्रेकिंग 3 की बुक दे रहा है। अरे हाँ, जब हम अपने आर्मर को इंचेंट करने वाले थे गए तभी हमने इस लाइब्रेरियन को अनब्रेकिंग वाला बनाया था एंड ये वाला हमें फॉर्च्यून दे रहा है। तो चलो हमारे अनब्रेकिंग का जुगाड़ हो गया, अभी मेंडिंग का जुगाड़ करते। तो ये बना ली मैंने अपने लिए एक लेफ्टन एंड अब इस वाले बंदे को काम देते, लेट्स सी भाई काम पकड़ेगा नहीं। फाइनली भाई ये वाला बंदा अपना लाइब्रेरियन बन चुका है। एंड अभी सबसे मेन एंड बोरिंग काम है भाई इनकी ट्रेड को चेंज करते जाना, ताकि हमें मेंडिंग की बुक दे सके, तो लग जाते हैं काम पे।
एंड काफी टाइम की मेहनत करने के बाद गाइस फाइनली ये वाला बंदा हमें मेंडिंग की बुक दे रहा है, वो भी 12 एमराल्ड के बदले। तो अगर अभी मैं काउंट करूं कि मुझे कितने एमराल्ड की जरूरत है, तो ये बंदा हमें 12 एमराल्ड के बदले एक मेंडिंग की बुक दे रहा है एंड मुझे टोटल 9 मेंडिंग की बुक चाहिए। एंड वो वाला बंदा हमें जो है 12 एमराल्ड के बदले अनब्रेकिंग की बुक दे रहा है एंड मुझे टोटल 2 अनब्रेकिंग की बुक चाहिए। तो टोटल देखा जाए तो मुझे कितने एमराल्ड चाहिए, तो ओके गैस अभी मुझे अराउंड 2 स्टैक से थोड़े से ज्यादा एमराल्ड की जरूरत होगी। तो हम सबसे बेस्ट तरीका यूज करेंगे यानी कि लकड़ियां कलेक्ट करके स्टिक्स बना के उनको बेच के एमराल्ड कलेक्ट करने के। तो चलो फटाफट से लग जाते हैं काम पे। तो फाइनली गाइस बहुत मशक्कत के बाद, मशक्कत भाई क्या हिंदी है, फाइनली गाइस बहुत मशक्कत करने के बाद अपने पास 2 स्टैक से कुछ ज्यादा एमराल्ड हो चुके, सो हमारी बुक्स का जुगाड़ इजीली हो जाएगा। बट भाई अब हो चुका एकदम तगड़ा वाला स्कैम अपने साथ, जो बंदा हमें मेंडिंग की बुक दे रहा था भाई उसने अपनी ट्रेड ही चेंज कर दिया। भाई मतलब इस टाइम पे मुझे इतना गुस्सा आ रहा ना मैं क्या बताऊं, बट अपने पास अभी कोई और ऑप्शन है नहीं, तो मुझे फिर से यार इसकी ट्रेड को चेंज करना पड़ेगा। तो मुझे और भी अपना आधा घंटा वेस्ट करना पड़ेगा। एंड वेलकम बैक। अपना आधा घंटा वेस्ट करने के बाद ये बंदा हमें मेंडिंग की बुक दे रहा है, बट इस बार ये हमें थोड़ा सा महंगा दे रहा है, अपने पास और कोई ऑप्शन है नहीं। तो सबसे पहले इस वाले बंदे से अपने लिए 2 अनब्रेकिंग की बुक को ले लेते। एंड भाई यहाँ पे ये क्या चालू है भाई, मतलब मेंडिंग वाला बंदा देखा नहीं कि चिपकना चालू। तो चलो बाकी के बचे एमराल्ड से बाकी की बुक्स को ले लेते। तो ओके गाइस अभी मैंने ऑलमोस्ट सारी बुक्स को ले लिया और सिर्फ अभी एक मेंडिंग की बुक बच चुकी है क्योंकि भाई साहब मेरे एमराल्ड खत्म हो चुके थे। तो इससे ले लेते एक और एक मेंडिंग की बुक को। एंड चलो भाई फटाफट से इसे अपने पूरे आर्मर एंड टूल्स पे लगाना शुरू कर देते। थोड़ी सी एक्सपी की कमी हो चुकी है तो मैं फिर से आ चुका हूँ अपने एक्सपी फार्म में। थोड़ी सी एक्सपी बटोरते हैं अपने बाकी के आर्मर पीस पे भी मेंडिंग लगा देते। एंड चलो गाइस अब अपने पूरे आर्मर एंड टूल्स पे जो है मेंडिंग की बुक लग चुकी है। अब हम कभी भी अपने आर्मर एंड टूल्स को इजीली एक्सपी की हेल्प से रिपेयर कर सकते हैं। एंड अभी आप मेरी शॉवल की हेल्थ देख ही सकते हो काफी ज्यादा कम है, बट एक्सपी की हेल्प से इजीली ये भी रिपेयर हो जाएगी। सो लेट्स गो गाइस, अब अपने पूरे आर्मर एंड टूल्स एकदम नए नवेले रिपेयर होकर रेडी हो चुके हैं ड्रैगन की गुद्दी को चटकाने के लिए। सिर्फ गाइस अभी मैंने अपने सिल्टस वाली पिकेक्स पे मेंडिंग नहीं लगाया, अनब्रेकिंग लगा दिया हूं तो मेंडिंग बाद में लगा देंगे। एंड फाइनली गाइस अब बारी आ चुकी है अपने इस वर्ल्ड के एंडर ड्रैगन को हराने की एंड जाके 50 एंड सिटीज को रेड करने की। सो उसके लिए गाइस मुझे जितने भी चीजों की जरूरत है वो सारी मैंने अपने इन्वेंटरी में कलेक्ट कर लिया हूँ। काफी सारे रॉकेट्स रख लिए, काफी सारे एरोज रख लिए, एक अनब्रेकिंग एंड मेंडिंग की बुक रख लिया हूँ एंड साथ ही मैंने काफी सारे चेस्ट भी रख लिया ताकि हम वहाँ पे शल्कर को मार के कुछ शल्कर बॉक्सेस बना सके एंड इजिली अपने इन्वेंटरी को मैनेज कर सके। तो चलो अब आईएफएंडर को फेंक के देखते लेट्स सी किस साइड पे जा रहा है। ओके ये साइड पे जा रहा है अपने विलेज की साइड पे, तो चलते सीधा स्ट्रॉन्गहोल्ड को ढूंढने के लिए। सो ओके अभी मैं चल के काफी ज्यादा दूर आ चुका हूँ, यहाँ पे अपने आईएफएंडर को फेंक के देखते हैं। और भाई साहब अपने आईएफएंडर जस्ट गए इसके नीचे की तरफ गए, यानी कि स्ट्रॉन्गहोल्ड नीचे ही होना चाहिए। तो चलो फटाफट से नीचे की तरफ को डिग डाउन करना शुरू कर देते हैं। आई होप कि यहीं पे स्ट्रॉन्गहोल्ड होना चाहिए, लेट्स सी कि होता है या नहीं। ओ भाई साहब यहाँ पे स्ट्रॉन्गहोल्ड है। अरे यहाँ पे क्रीपर क्या कर रहा है भाई, क्रीपर से कौन स्वागत करवाता है यार, इसको मारना पड़ेगा। चलना भाई अभी फटके ही नाम लेगा क्या। हाँ फटके ही नाम लेगा। ओके अभी मैं एक लाइब्रेरी में आ चुका हूँ, लेट्स सी इसकी चेस्ट में हमें क्या मिलता है। ओके यहाँ पे पावर 4 है एंड अपनी बो पे ऑलरेडी पावर 4 लगी हुई है, तो इन दोनों को कंबाइन करके पावर 5 वाली बना देते हैं। एंड लेट्स गो गाइस हमें फाइनली एंड पोर्टल भी मिल चुका है। सबसे पहले स्पॉनर को तोड़ो एंड फटाफट से सारे आईएफएंडर को लगा के कर लेते गाइस अपने पोर्टल को एक्टिवेट। लेट्स गो गाइस। लेकिन गाइस ड्रैगन को हराने से पहले मैं सबसे पहले यहाँ पे नेदर पोर्टल बिल्ड कर रहा हूँ ताकि हम इजीली अपने नेदर पोर्टल की हेल्प से स्ट्रॉन्गहोल्ड में आ सके, हमें ज्यादा ट्रैवल करना ना पड़े, तो इससे हमारा थोड़ा सा चलना कम हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको लाइट अप कर देते हैं एंड अब एक बार इस वाले पोर्टल में जाके देखते हैं लेट्स सी ये किस साइड पे स्पॉन होता है। ओके ये जगह तो जानी पहचानी लग रही है। ओ भाई साहब गाइस ये अपने फोर्ट्रेस वाला एरिया है जहाँ पे हम फोर्ट्रेस के लिए आए थे ना सोल सेंड वाली जगह पे, यहीं पे भाई ये पोर्टल खुला है तो काफी ज्यादा पास में ही है। एंड फाइनली गाइस इट्स टाइम टू डिफीट एंडर ड्रैगन, तो लेट्स गो चलते हैं एंडर ड्रैगन को हराने के लिए। एंड इसको हराना गाइस कुछ बड़ी बात नहीं है, काफी ज्यादा इजी होता है, मैं कई बार हरा चुका हूँ, तो फटाफट से इसको हराते हैं।
एंड फाइनली गाइस कुछ आखिर की शॉर्ट्स बाकी है, इसी के साथ गाइस हमारा ड्रैगन इस वर्ल्ड का खत्म होता है। एंड अब इसकी खुशी में यहाँ से कुछ एक्सपीस को बटोर लेते हैं एंड इस ड्रैगन के एग को भी कलेक्ट कर लेते हैं। तो चलो फटाफट से फेंकते हैं यहाँ पे एंडर पर्ल एंड सीधा निकलते हैं दूसरे डायमेंशन के लिए। एंड अब गाइस बारी आ चुकी है एंड सिटीज को रेड करने की। तो जो हम पहली एंड सिटी को रेड करेंगे वो काउंट नहीं होगी क्योंकि उससे हम नॉर्मली इलाइट्रा लेंगे, बट वैसे हम और 50 एंड सिटीज को रेड करेंगे एंड उसकी लूट को काउंट करेंगे। तब एक काम करते हैं, सबसे पहले इस वाली साइड पे चलते हैं, अभी के लिए तो अपने को चल के जाना पड़ेगा। लेट्स सी अब अपने को कितने टाइम में यहाँ पे एंड सिटी, अपनी पहली एंड सिटी मिलती है एंड ये कैसी जगह आ चुकी है भाई साहब। अरे एक मिनट, ये तो एंड शिप है ना। ओ भाई साहब, यानी गाइस इस पार हमें जाना ही पड़ेगा अगर हमें एंड सिटी को लूटना है। तो गाइस अभी ब्रिजिंग करके कौन ही जाएगा, मैं बहुत बड़ा रिस्क लेने वाला हूँ। लेट्स सी हम पहुंच पाएंगे या नहीं। ओ भाई साहब, हम पहुंच चुके एंड ये रही गाइस अपने वर्ल्ड की पहली एंड सिटी, वो भी एंड शिप के साथ। तो सबसे पहले यहाँ के कुछ शल्कर्स को मारते हैं यार, मुझे कुछ शल्कर बॉक्सेस की जरूरत होगी। तो सबसे पहले इनको मारते हैं। तो सबसे पहले शल्कर बॉक्स क्राफ्ट करते हैं एंड अपने सारे रॉकेट्स को इसके अंदर रखते हैं, साथ ही अपने फोर्ट को भी अभी के लिए रख ही देते। तो गाइस ये रही अपनी पहली चेस्ट और भाई सब क्या बकवास लूटे। ओके, इसमें काफी सारा गोल्ड है, आयरन है और यहाँ पे भी एक चेस्ट है, इसके अंदर काफी सारे डायमंड है, गोल्ड है एंड मेरे पास एक सिल्टच वाली पिकैक्स है, तो इससे एंडर चेस्ट को भी रख ही लेते, कभी भी अपने काम आ जाएगा। और तो कुछ गाइस जैसा लूटने जैसा है नहीं, तो फटाफट से चलते अपने एंड शिप के पास। ओके, इसके अंदर शायद से कुछ पोशंस है, तो मैं थोड़े बहुत पोशन ही लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा, वैसे भी कुछ काम के होते नहीं है, पर कभी भी अपने हेल्थ बढ़ाने में काम आ जाएंगे। और यहाँ पे रहा अपना मेन माल, भाई इसको मारो यार, ये काफी ज्यादा इरिटेट करता है। सबसे पहले शल्कर को मारते है, तभी यहाँ की भी चेस्ट को देखते है, थोड़ा बहुत गोल्ड है, आयरन की स्वॉर्ड है, इसमें भी थोड़ा बहुत गोल्ड एंड डायमंड की शॉवेल है एंड ये रहा गाइस अपना मेन माल, अपने वर्ल्ड का पहला इलाइट्रा। तो बिना देरी करते हुए इस पे सबसे पहले अनब्रेकिंग लगा देते हैं, इसके बाद इस पे मेंडिंग लगा देते हैं क्योंकि इसी की हेल्प से तो गाइस हम 50 एंड सिटीज को रेड करने वाले। एंड अभी गाइस मेरे पास काफी सारे शल्कर शेल्स भी हो चुके हैं, तो इसकी हेल्प से काफी सारे शल्कर बॉक्सेस क्राफ्ट कर लेते हैं। एंड अभी गाइस हमें जो जो सामान मिला है उसे हम अलग अलग शल्कर बॉक्स में रखेंगे, जैसे कि हमें जितने भी डायमंड गोल्ड मिलेंगे उसको एक शल्कर बॉक्स में, जितने भी आर्मर पीस मिलेंगे उनको एक शल्कर बॉक्स में, जितने भी टूल्स मिलेंगे उनको एक शल्कर बॉक्स में, तो अपनी इन्वेंटरी थोड़ी सी मैनेज हो जाएगी। एंड क्योंकि ये पहली एंड सिटी है तो यहाँ से ड्रैगन के हेड को तो लेना बनता है, बट बाकी के एनसीटी में से तो मैं लेने नहीं वाला हूँ। एंड इस वाले इलाइट्रा से गैस भरते अपनी पहली उड़ान को। एंड सही में गैस इलाइट्रा को यूज करके काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो अभी इस वाले एनसीटी में तो और कुछ है नहीं, तो सीधा निकलते दूसरी एनसीटी को ढूंढने के लिए एंड यहाँ से हमारी एनसीटी की रेड शुरू होती है। तो ये रही गैस अपनी सेकेंड एनसीटी, पहली एनसीटी। सबसे पहले इसको मारो, लेट्स सी चेस्ट में क्या है। ओके, काफी सारे गोल्ड है, डायमंड है, इस वाले में डायमंड की चेस्ट प्लेट, थोड़े से एमरल्ड एंड अब यहाँ से इलाइट्रा को ले लेते। एंड ये वाली गाइस एंड सिटी काफी ज्यादा छोटी थी, मतलब एंड शिप की लूट के अलावा यहाँ पे कोई और लूट थी ही नहीं, मतलब भाई ऐसे कैसे मजा आएगा यार। और एक मिनट, यहाँ पे एक और एंड सिटी गाइस हमें मिल चुकी है काफी ज्यादा पास में, तो फिर से इसको मारते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रा को भी ले लेते एंड अभी चेस्ट को देख लेते। ओके, यहाँ पे काफी सारा डायमंड है, डायमंड के आर्मर पीस है एंड अब इस वाली में, ओके यहाँ पे काफी सारा गोल्ड एंड डायमंड की पिकैक्स है एंड भाई ये शल्कर भी ना भाई कहाँ आसमानों की ऊंचाइयों में पहुंचा देते है यार, ये लोग कितना इरिटेट करते भाई, कितना ऊपर लेके जाएगा। एक बार इस वाली एंड सिटी में चेकआउट करते, शायद से यहाँ पे हमें चेस्ट मिल जाए। भाई इन्होंने लूट रखनी है या नहीं, भाई अभी तक एक भी मुझे ऐसी एंड सिटी नहीं मिली जहाँ पे एंड शिप के अलावा भी लूट हो, भाई ऐसे कैसे चलेगा यार। सो अभी तो गाइस मैं सीधा सीधा ही ट्रैवल कर रहा हूँ एंड बीच बीच में मैं अपने इलेक्ट्रा की हेल्थ को भी देख रहा हूँ क्योंकि मुझे देखना पड़ेगा इसकी हेल्थ एकदम कम ना हो जाए, बीच बीच में हमें इसे रिपेयर भी करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे हमें एक एंड सिटी मिल चुकी है। और एक मिनट, यहाँ पे एंड शिप नहीं है क्या? अबे यार ये क्या है, इतनी बड़ी गाइस एंड सिटी मिली है, लिटरली इतनी बड़ी एंड सिटी मैंने कभी देखा नहीं। बस भाई यहाँ पे एंड शिप नहीं है, तो लेकिन अब एक काम करते आए तो इसको लूट ही लेते। ये गाइस हम आखिरी एक एंड सिटी को लूटेंगे, इसके बाद कोई भी ऐसी एंड सिटी को लूटेंगे नहीं जहाँ पे एंड शिप ना हो। चेस्ट को चेकआउट करते हैं। ओके, काफी डिसेंट सी लूट हमें मिल चुकी है, सेफ्टी के लिए एक और एक अंडा चेस्ट को रख लेते हैं। एंड भाई ये क्या हो रहा है, लिटरली गाइस इतने पास पास में मुझे एनसीटी मिल रही है एंड ये गाइस अभी तक की अपनी थर्ड एनसीटी है, पहली वाली एनसीटी को छोड़ के मैं बोल रहा हूँ। सबसे पहले इसको पीटो, यहाँ से कुछ लूट को कलेक्ट कर लो, काफी ठीक ठाक सी लूट मुझे मिल जा रही है यार, यहाँ से काफी सारे डायमंड है, आर्मर के पीस भी मिल रहे एंड अब यहाँ से इलाइट्रा को भी ले लेते हैं। एंड ये देखो गाइस अब तक अपने पास टोटल 3 इलाइट्रा हो चुकी है। तो चलो गाइस अभी मैं ऐसी एनसीटीज को लूटता हूं एंड अभी आप लोगों से थोड़ी देर बाद मिलते। एंड इसी
के साथ गाइस ये वाली एंड सिटी अपनी होने वाली है 10th एंड सिटी। तो यहाँ से हम अपने 10th इलाइट्रा को लेने वाले हैं। एंड भाई ये कितना इरिटेट करते हैं यार, सड़कों को मारो सबसे पहले यार, दिमाग खराब करके रख दिया जब से आया हूँ। चलो भाई अभी लूट दिखाओ। ओके गोल्ड है भाई साहब, गाइस गोल्ड तो इतना मिल रहा है ना, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। ये देखो फिर से इसमें इतने सारे गोल्ड, भाई गोल्ड की तो कमी नहीं होने वाली है। एंड अगर गाइस अभी तक मैं आपको लूट दिखाऊँ तो आर्मर में मुझे करीब कुछ इतने सारे लूट मिल चुकी है। एंड टूल्स में देखो गाइस मुझे इतने सारे अलग अलग टूल्स मिल चुके हैं। एंड इस वाले सर्कल में अपने सारे ओर जितने भी हमें गोल्ड मिले, डायमंड मिले, आयरन मिले। एंड ये मैं सिर्फ अभी बता रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा सीधा 50 एंड सिटीज को लूटने के बाद। एंड ये रहे गाइस अपने टोटल 10 इलाइट्रास, हमने टोटल 10 इलाइट्रास को कलेक्ट कर लिया है। एंड ऐसे गाइस मुझे टोटल और 40 एंड सिटीज को रेड करना है, टोटल 40 इलाइट्रा एंड एपिक लूट को कलेक्ट करना है। एंड गाइस मुझे पता है अभी तक आप लोगों को काफी ज्यादा मजा आ रहा है, तो क्या कर रहे हो यार, जाके वीडियो को लाइक करो। एंड जो लोग चैनल पे नहीं है तो जाके सब्सक्राइब करो। एंड चलो गाइस अभी फिर से अपने एंड सिटीज को रेड करने का सिलसिला कंटिन्यू रखते हैं। आई थिंक यहाँ पे एंड शिप नहीं है शायद से, ओके है यहाँ पे, रेंडर नहीं लेती भाई। लेकिन इस बार सबसे पहले शिप को लूटेंगे एंड उसके बाद एंड सिटी को लूटेंगे। लेट्स सी यहाँ पे चेस्ट है क्या, लग तो नहीं रहा यहाँ पे चेस्ट, ओके है यहाँ पे। तो चलो चेस्ट को चेकआउट करते हैं। ओके थोड़ा बहुत गोल्ड है, डायमंड के बूट्स है एंड सैडल है। ओके ये वाले कमरे में भी दो चेस्ट है तो इसको भी चेकआउट करते हैं। ओके डायमंड की चेस्ट प्लेट है, आयरन है, डायमंड के टूल्स है। अब इस वाले में क्या है यार, ये शल्कर्स काफी ज्यादा परेशान कर रहे हैं यार। तो चलो अभी मैं फिर से एंड शिप पे आ चुका हूँ, तो फटाफट से चलते इनको मारते है। तो अपना शेल बंद करके रखेगा तो जो क्या लगता है तू मार नहीं खाएगा आज, बहुत बुलबुले छोड़ने, अरे भाग गया यार ये तो। ओके इस वाले चेस्ट में भी काफी सारा गोल्ड है, आयरन है एंड इस वाले डायमंड की शॉवेल है, थोड़ा बहुत और गोल्ड है। तो गाइस अभी मैं ऐसे सारे एंड सिटीज को लूटता हूँ एंड अभी आप लोगों को मिलूंगा मैं टोटल 25 एंड सिटीज को लूटने के बाद। बीच में हो गया थोड़ी सी इलेक्ट्रा की हेल्थ कम हो चुकी थी, बट अभी मैंने इलेक्ट्रा को जो है एंडरमैन को मार मार के रिपेयर कर लिया हूं। बट यही तो मेंडिंग का फायदा होता है। एंड आई थिंक मेरे पास इनाफ अभी के लिए रॉकेट्स तो है जिससे मेरा थोड़ा बहुत अभी के लिए काम चल जाएगा। बाद में ऐसा कुछ लगेगा तो मैं ओवरवर्ल्ड वापस से चले जाऊंगा, बट अभी तो अपना काम चल जाएगा। तब एक काम करते हैं, इस वाली साइड पे चलते हैं वापस से। ओके हम यहाँ पे एक और एक एंड सिटी मिल चुकी है गाइस, हमारे पिछली वाली एंड सिटी से काफी ज्यादा पास ही में ये वाली एंड सिटी। तो चलो सबसे पहले शिप के अंदर चलते आते ही भाई मारना चालू, रुक जा सबसे पहले मैं इसको खत्म करो फिर तुझे बताता हूँ। भाई ये काफी ज्यादा इरिटेटिंग है यार ये, रुक ना, अरे रुक जा भाई रुक, हाँ ज्यादा मजा आ रहा है क्या बुलबुले छोड़ने, रुक जा निकल ऐसे। तो इसी के साथ गैस काफी ज्यादा टाइम लग गया, बट फाइनली गैस अभी तक मैंने जो है टोटल 25 एंड सिटीज को रेड कर दिया हूँ। एंड इससे गैस ये देखो अभी अपने पास टोटल 25 इलाइट्रास भी आ चुके हैं। एंड अगर अभी मैं आपको लूट बताऊं तो देखो ये शल्कर बॉक्सेस में कुछ लूट है बट ज्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट फुल नहीं है। बट ये जो एंडर चेस्ट के अंदर जितने भी शल्कर बॉक्सेस है ना, ये टोटली भरे हुए भाई लूट के साथ। जैसे कि अगर मैं ये वाले लूट को दिखाऊं तो देखो इसमें हमें इतने सारे लूट मिल चुके हैं। एंड अगर टूल्स वाला शल्कर बॉक्स दिखाऊं तो देखो गैस हमें कितने सारे डायमंड के टूल्स एंड और भी काफी सारी चीजें मिली है। एंड कुछ भी बोलो गैस मजा तो काफी ज्यादा आ रहा है, बट अभी मैं और भी एंड सिटीज को लूट नहीं सकता क्योंकि मेरे पास इतने रॉकेट्स नहीं है कि अभी मैं और 25 एंड सिटीज को लूट सकूं। तो अभी मैं सोच रहा हूं अपने पास काफी सारे शल्कर बॉक्सेस तो है, तो एक ही बार में काफी सारा खाना और काफी सारे रॉकेट्स लेके आ जाते तो एक ही बार में हमारा काम भी हो जाएगा, बार बार हमें ओवरवर्ल्ड जाने की जरूरत नहीं। ओके यहीं पे एंड गेटवे भी है ना, तो यहाँ से जा पाएंगे क्या हम, लेट्स सी एंडर पर्ल फेंक के देखते। ओके मैं पहुंच चुका हूँ, तो चलो चलते अपने घर पे, आई मीन बेस पे। अब गाइस अपने बेस पे आ चुके तो अभी काम करते अपने एंडर चेस्ट में जितने भी शल्कर बॉक्सेस भर चुके हैं ना, इनको अभी मैं खाली करके लेके जाता हूँ। तो अभी अपने पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस आ जाएगा तो हमारी इन्वेंटरी और इजिली मैनेज हो जाएगी। एंड रॉकेट्स की तो कमी नहीं है भाई, काफी सारे रॉकेट्स है तो इन सबको रख। एंड गाइस अपने इलाइट्रा की भी हेल्थ अभी काफी ज्यादा कम हो चुकी है, तो लगे हाथ अपने एक्सपी फार्म के हेल्प से इसको भी रिपेयर कर लेते। पहली बार मैं इलाइट्रा की हेल्प से यहाँ पे आया हूँ, लेट्स सी क्या मैं बराबर से लैंडिंग कर पाऊंगा। ओके ऑलमोस्ट हो चुकी है एंड यहाँ पे भाई ऑलरेडी काफी सारे एक्सपी पड़ी है यार। और एक मिनट गाइस, मेरी इलाइट्रा रिपेयर भी हो चुकी है भाई साहब, भाई मतलब मेरा एक्सपी फार्म इतना ज्यादा एफिशिएंट है गाइस मुझे पता नहीं था। एंड अब यहाँ पे आए हैं तो थोड़े बहुत कुक पॉक चॉप भी रख लेते, ज्यादा नहीं थोड़े की हमें जरूरत है। एंड अभी गाइस मैं अपने विलेज में आया हूँ अपने फ्लेचर भाई से थोड़े से एरोस लेने के लिए, भाई शल्कर काफी ज्यादा परेशान करते सो एरोस से हम इसे इजिली मार सकते हैं। और भाई ये एरोस दे क्यों नहीं रहा है, इस वाले फ्लेचर पे ट्राई करते ये एरोस दे, अरे क्या है भाई कोई एरोस क्यों नहीं दे रहा है। अरे भाई तीन तीन मेरे पास फ्लेचर है एंड उसमें से गाइस लिटरली एक भी बंदा हमें एरोस नहीं दे रहा है, क्या ही नल्ले विलेजर पाल के रखे है यार मैंने। और ये देखो भाई किसका क्या है इनका क्या है, इनकी अलग आशिकी चालू है भाई, वो दोनों कपल्स अपना एंजॉय कर रहे हैं, गोलम को बीच में क्यों इंटरफेयर करना है भाई। गोलम भाई थोड़ा सा रक्षा करने पे भी ध्यान दे दे, ये सब क्या कर रहा है तू, क्या कर रहा है यार तू।
एंड चलो गाइस अभी फिर से चलते हैं एंड सिटीज की तरफ बाकी की एंड सिटीज को लूटने के लिए। एंड अभी तक गाइस आई थिंक मैंने ये वाली साइड को लूट लिया हूँ, ये वाली साइड को भी लूट लिया हूँ एंड आई थिंक ये वाली साइड को भी लूट लिया, बस अभी ये वाली साइड ही बची है। तो एक काम करते हैं यहीं पे निकलते हैं नई नई एंड सिटीज को ढूंढने के लिए एंड उनको रेड करने के लिए। एंड अभी गाइस मैं आपको एक ही चीज दिखा दिखा के बार बार बोर करना नहीं चाहता हूँ, तो अब एक काम करता हूँ मैं फटाफट से सारे एंड सिटीज को रेड करता हूँ एंड अभी मैं आप लोगों से सीधा मिलूंगा 50 एंड सिटीज को लूटने के बाद। एंड इसी के साथ गाइस ये होने वाली है अपनी गोल्डन जुबली वाली एंड सिटी यानी कि 50th एंड सिटी। गाइस हमने फाइनली ऑलमोस्ट अपने गोल को कंप्लीट कर लिया है, ये लास्ट शिप अभी बची है सिर्फ और सिर्फ, इसको लूटने के बाद हमारी रेडिंग का काम कंप्लीट हो जाएगा। एंड सही में यार ये सारे एंड सिटीज को लूट के काफी ज्यादा मजा आया, बट स्टिल अभी तक ये शल्कर सुधरे नहीं है। तो ये रही गाइस अपनी 50th इलाइट्रा, तो इसको ले लेते हैं। एंड लूट के नाम पे तो भाई अभी तक मुझे काफी सारे लूट मिल चुकी है, थोड़ी बहुत सिटीज को भी लूट ही लेते हैं। लाओ भाई अभी चेस्ट में क्या है, आयरन है, थोड़ा बहुत डायमंड के आर्मर पीस है एंड इसके अंदर भी वही कोई डायमंड के आर्मर पीस, गोल्ड एंड एमरल्ड है। ओके इसमें काफी सारे डायमंड है, साथ ही थोड़ा बहुत गोल्ड भी है, तो इनको रख लेते हैं। एंड फाइनली गाइस इसी के साथ हमारा गोल्ड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है एंड हमने टोटल 50 एंड सिटीज को रेड कर लिया है। एंड उन लूट को चेकआउट करने के लिए मैं भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ एंड आई नो आप भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो, बट अभी मैं आपको शॉर्ट में मेन लूट को दिखाता हूँ जो कि गाइस अपनी इलाइट्रा को। तो ये गाइस अपनी 50th इलाइट्रा एंड ऐसे गाइस अपने पास एक और शल्कर बॉक्स भर के पूरी इलाइट्रा ही है ना। बाकी के लूट को चेकआउट करने के लिए फटाफट से पोर्टल को ढूंढते हैं, चलते हैं ओवर वर्ल्ड में। ओके तो ये रहा एंड गेट वे, क्या मैं डायरेक्टली जा पाऊंगा? अरे यार थोड़ा सा बच गया, बट टेंशन नहीं, पानी के हेल्प से हम इजीली जा ही सकते हैं, तो चलते हैं। तो चलो गाइस अभी मैं काम कर लेता हूँ, हम जितने भी लूट को कलेक्ट करके लेके आए उन सबको मैं मैनेज कर देता हूँ, यानी कि मैं जितने भी चेस्ट प्लेट लाया हूँ, हेलमेट लाया हूँ, बूट्स लेके आओ, टूल्स लेके आओ, ओर्स लेके आओ, उन सबको मैं अलग अलग चेस्ट में शिफ्ट कर देता हूँ। मैं फिर आप लोगों को बताता हूँ कि हमें टोटल क्या क्या लूट मिली है, तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। A few moments later. So, okay, guys, काफी टाइम मेहनत करने के बाद मैंने सारे लूट को अलग अलग चेस्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हूँ एंड अभी हम फाइनली सारे लूट को चेकआउट कर सकते हैं। एंड ये देखो गाइस इन सारी चेस्ट में लूट है, ये टोटली भरी हुई है। तो पहली चेस्ट को देखते हैं, इसमें गाइस है भर भर के काफी सारे डायमंड की चेस्ट प्लेट एंड थोड़ी बहुत मैंने आयरन की चेस्ट प्लेट को भी रख लिया जिसपे काफी तगड़ी वाली एन्चेंटमेंट है। अगर इस वाली को देखे तो इसमें काफी सारे डायमंड के हेलमेट, थोड़ी बहुत आयरन के हेलमेट एंड जितने भी मैंने शल्कर बॉक्सेस क्राफ्ट किए थे वो भी मैंने इधर पे रख दिया हूँ। इसके अंदर गाइस हमें टोटल जितनी भी डायमंड की लेगिंग्स मिली थी वो है एंड इसके अंदर है गाइस भर भर के काफी सारे डायमंड की स्वॉर्ड एंड अभी तक गाइस मुझे सबसे ज्यादा डायमंड की स्वॉर्ड ही मिली है एंड हर स्वॉर्ड पे काफी अच्छी अच्छी एन्चेंटमेंट लगी हुई है। इस वाली चेस्ट को देखे तो इसमें काफी सारे डायमंड की पिकैक्स एंड ये भी स्वॉर्ड से काफी ज्यादा कॉम्पिटिशन में थी, बट थोड़े से रह गई एंड इसमें भी भाई मैक्स एन्चेंटमेंट के साथ डायमंड की पिकैक्स है। इस वाली चेस्ट के अंदर गाइस मैंने रखा हूँ अपने टोटल 50 इलाइट्रास को, जिसको हम यूज तो नहीं करने वाले बट अभी इसको हम ऐसे सजा के रखेंगे। इसके अंदर थोड़ी सी आयरन की पिकैक्स है एंड इस वाली चेस्ट के अंदर है गाइस भर भर के काफी सारे डायमंड की शॉवेल्स। एंड अब आते हैं गाइस अपने मेन माल की तरफ जो कि है ओर्स एंड ये देखो गाइस इतने सारे मुझे डायमंड्स मिले एंड गोल्ड तो भाई साहब मैं क्या ही बोलूं एंड आयरन भी मुझे काफी सारे मिले, थोड़े बहुत एमरल्ड मिले एंड जितने भी मैंने एंडरमैन को मारे थे ना वो एंडर पर्ल्स भी मैंने यहीं पे रख दिए। मतलब गाइस 50 एंड सिटीज को लूटने का प्लान काफी ज्यादा सही निकला, हम काफी कम टाइम में काफी ज्यादा अमीर हो चुके। सो इसी के साथ गाइस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, होप करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इंस्टा पे भी गाइस जाके फॉलो कर दो। हार्डकोर सीरीज में गाइस हमें और भी क्या तगड़ी तगड़ी चीजें करना चाहिए मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय।